नमस्कार, मैं संदीप वर्मा और आप लोग देख रहे हैं फिल्मी गपशप। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, सबसे पहले मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपने दो बेहतरीन कलाकारों पर जो हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था अभिनेता अरुण आहूजा जी के बारे में। इस बार भी मैं आपको एक अभिनेता के बारे में ही बताने जा रहा हूं, और वो 1947 से पहले के ही अभिनेता के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे 10 एपिसोड उन्हीं एक्टर्स को डेडिकेटेड होंगे जिन्होंने फिल्मों की शुरुआत 1947 से पहले से की है। जी हाँ, आजादी से पहले से की है। तो इस बार मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक बेहतरीन कलाकार थे, एक बेशकीमती कलाकार थे, एक अद्भुत कलाकार थे, जिनकी मासूमियत और जिनकी मधुर मुस्कुराहट ने लोगों का दिल जीत लिया था, दर्शकों का दिल जीत लिया था। एक सादगी थी उनके अभिनय में, एक स्थिरता थी उनके अभिनय में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं उस वक्त के चॉकलेटी हीरो, सदाबहार हीरो भारत भूषण जी के बारे में। भारत भूषण जी का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था, लेकिन वो पले बड़े अलीगढ़ में थे। उनके पिताजी वकील थे और हर पिता की तरह वो भी चाहते थे कि उनका बेटा वकील ही बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। भारत भूषण जी को तो फिल्म इंडस्ट्रीज में आके अपना परचम लहराना था, तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी और जल्दी मुंबई की तरफ। भारत भूषण जी मुंबई पहुंचे और काफी स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, और उन्हें उस वक्त उनकी पहली फिल्म मिली 1942 में, 1942 में फिल्म भक्त कबीर। भक्त कबीर फिल्म उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उन्हें पहली सफलता मिली फिल्म बैजू बावरा में, जो उनकी बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई बैजू बावरा, जिसमें उन्होंने तानसेन की भूमिका निभाई थी और उनकी अभिनेत्री थी मीना कुमारी जी। ओ तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन। उसके बाद भारत भूषण जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनके सुपरहिट फिल्मों का कारवां बढ़ता चला गया। उनकी सुपरहिट फिल्में थी रानी रूपमती, मिर्जा गालिब, जहां आरा, बसंत बहार, लगातार कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। 1955 में भारत भूषण जी को चैतन्य महाप्रभु के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, और इसी दौरान मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिस फिल्म के संगीत ने उस वक्त भी तहलका मचा रखा था और आज भी तहलका मचा रखा है। आप लोग डांस करते होंगे उस फिल्म के म्यूजिक पर, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये उस फिल्म का गाना है। जी हाँ, उस फिल्म का नाम है फागुन। फागुन आपने उसके म्यूजिक को सुना होगा और चारों तरफ वही म्यूजिक बजता है आजकल। आप उसके बैकग्राउंड, उसके थीम, उसके म्यूजिक को सुनिए, आपको पता चल जाएगा वो कौन सा गाना है। जी हाँ, फागुन फिल्म का गाना एक परदेसी मेरा दिल ले गया। ले गया कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। सुपर हिट गाना, सुपर हिट फिल्म। उसके बाद भारत भूषण जी ने बहुत सारी इम्पोर्टेड गाड़ियां खरीदी और एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा। इस बंगले के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बंगले की भी एक स्टोरी है, इस बंगले की भी एक कहानी है। भारत भूषण जी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई बरसात की रात। जी हाँ, बरसात की रात। ये एक इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, एक सुपरहिट फिल्म थी, और उसके गाने ने उस समय फिल्म इंडस्ट्रीज में तहलका मचा रखा था, स्पेशली उसका टाइटल सॉन्ग। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। उसी दौरान उनका कंपटीशन एक ऐसे नायक से था, एक ऐसे कलाकार से था जो उस वक्त तहलका मचा रखा था। भारत भूषण जी में लोगों ने एक शायर, एक साधु, एक संत, एक सन्यासी की छवि देखी, लेकिन वो जो कलाकार था जो भारत भूषण जी के कंपटीशन में था वो बिल्कुल अलग था। उसे लड़कियों से फ्लर्ट करना आता था,
उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टाइल उस वक्त बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल बिल्कुल अलग था। तो भारत भूषण जी उनसे थोड़े पिछड़ते चले गए और वो जो कलाकार था वो उनसे थोड़ा आगे बढ़ता चला गया। आगे क्या, वो बहुत आगे बढ़ गया। मैं उस कलाकार का आपको नाम बता दूं, उन कलाकार का नाम था देवानंद जी। आज भी हम लोग उनकी मिमिक्री करते हैं, आज भी हम लोग उनका स्टाइल, उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं देवानंद जी के, जिनका एक छोटा सा स्टाइल है, मैं तो हसीनों का पागल हूं, पुजारी हूं, दीवाना हूं, लेकिन इन हसीनाओं को देख के मुझे पसीना आ रहा है। भारत भूषण जी और देवानंद जी दोनों को करना रोमांसी था, दोनों की अभिनय शैली में रोमांसी आता था, लेकिन देवानंद जी ने उस रोल को बिल्कुल अलग तरीके से जिया, अलग तरीके से किया, और भारत भूषण जी ने अपने रोल में बदलाव नहीं लाया। भारत भूषण जी में वही सादगी, वही स्थिरता झलकती रही। कहा जाता है ना, एक ही शब्द के दो अलग अलग मायने होते हैं। अगर आप अपनी पत्नी से कहें कि क्या बात है आज तो बहुत कातिल लग रही हो, तो हो सकते हैं आपको पकौड़े, समोसे, चाय वगैरह ये ऑफर कर दिया जाए। वही दूसरा शब्द, वही शब्द है लेकिन वो अर्थ उसका अलग है। क्या बात है आज तो तुम बड़ी हत्यारीन लग रही हो, तो शायद खाना पीना सब बंद, मेरा तो पक्का बंद। हंसी पकड़े हैं। 1960 के बाद भारत भूषण जी की फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप होनी शुरू होगी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी बन गए थे, और प्रोड्यूसर बनने के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, और एज एक्टर भी उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, क्योंकि समय के साथ थोड़ी बदलाव की जरूरत है। लेकिन भारत भूषण जी की अभिनय शैली में वही सादगी और वही स्थिरता झलकती थी, तो लोगों ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया, उनकी फिल्म लगातार फ्लॉप होनी शुरू हो गई। उनकी जितनी इम्पोर्टेड गाड़ियां थी वो बिक गई। जी हाँ, इम्पोर्टेड गाड़ियां बिक गई। सबसे ज्यादा दुख भारत भूषण जी को तब हुआ जब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने भारत भूषण जी को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका है, तुम करना चाहोगे? भारत भूषण जी के दिल में एक दर्द हुआ और शायद इस दर्द को कोई देख ना पा रहा था। अब मैं आपको उस बंगले के बारे में बता दूं, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आप उस बंगले को जानते होंगे। जी हाँ, उस बंगले को भारत भूषण जी ने बेच दिया, और उन्होंने बेचा उस वक्त के सबसे बड़े जुबली स्टार राजेंद्र कुमार जी से। जी हाँ, राजेंद्र कुमार जी से। और राजेंद्र कुमार जी ने जब उनके सितारे गर्दिश में गए तो उन्होंने उस बंगले को बेचा राजेश खन्ना जी से। जी हाँ, राजेश खन्ना जी से। उस बंगले का नाम है आशीर्वाद। जी हाँ, आशीर्वाद। अब वो बंगला राजेश खन्ना जी ने भी बेच दिया, राजेश खन्ना जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो बंगला आशीर्वाद भारत भूषण जी का था, वो भारत भूषण जी से शुरू होकर राजेश खन्ना जी तक आया। उनकी सारी इंपोर्टेड गाड़ियां बिक गई, उनकी सारी इंपोर्टेड गाड़ियां बिक गई, वो कंगाल हो गए और फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका निभाने लगे। बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ियों का मालिक आज बस स्टॉप पे इंतजार करता था कि बस आए और मैं उस बस में जाके शूटिंग करूं फिल्म की, और वो भी जूनियर आर्टिस्ट की। वक्त है भारत भूषण जी के ऊपर से नीचे तक का हमने ये सफर देखा। दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। उनके अंतिम समय में, भारत भूषण जी के अंतिम समय में, मशहूर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उन्हें रामायण धारावाहिक में गोस्वामी तुलसीदास जी के रोल का निमंत्रण दिया, और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वो एक संत का रोल था और भारत भूषण जी इसके लिए जाने जाते थे। 5 मिनट का रोल था, सिर्फ 5 मिनट का, लेकिन भारत भूषण जी ने वो रोल किया एक वक्त की रोटी के लिए। जी हाँ, एक वक्त की रोटी के लिए भारत भूषण जी ने वो रोल किया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने अगर रामायण धारावाहिक देखा होगा तो उसमें मंदोदरी की भूमिका भारत भूषण जी की बेटी ने निभाई है। जी हाँ, अपराजिता भूषण, जो कि भारत भूषण जी की बेटी है। वक्त बदला, दौर बदला, भारत भूषण जी जूनियर आर्टिस्ट तक ही सीमित होके रह गए। कोई उन्हें रोल नहीं दे रहा था, इतने बड़े कलाकार बस एक जूनियर आर्टिस्ट की ही भूमिका निभा रहे थे, और अंत में 1992 में वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए। और एक दर्द के साथ कि फिल्म इंडस्ट्रीज हमेशा उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। जी हाँ, उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। भारत भूषण जी की जीवनी से हमें सीखने को मिलता है
समय के अनुसार आदमी को बदलना चाहिए। अगर भारत भूषण जी ने अपनी अभिनय शैली में कुछ बदलाव किया होता तो शायद वो एक जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका न निभा रहे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। भारत भूषण जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये था हमारा फिल्मी गपशप का दूसरा एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपके सामने आऊंगा एक ऐसे कलाकार को लेकर जिसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगर वो न होते तो शायद भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज आज इस मुकाम पे नहीं रहती। तो अगले एपिसोड में आने तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।